हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग अभी अगस्त सितंबर से चालू होता है मेन यहाँ पे लोगों का आना, अगर जॉब सीकर्स की बात करें, ठीक है। और बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स भी होती हैं, इसलिए जो एजेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम इसी टाइम पे ओपनिंग्स भी अपनी रखते हैं ताकि उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ऐसे ही कुछ हादसे के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो अभी एक दो दिन में हुआ है और इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स में हुआ है, और ये मैक्सिमम जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे जगह से जो भी लोग यहाँ काम करने आते हैं उनके लिए होता है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज के लोग आते हैं, ठीक है। जो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, वो लोग तो अपना वीज़ा खुद निकालते हैं, या फिर जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग किसी बड़े ट्रैवल एजेंट से अपना वीज़ा निकालते हैं। बट जो भी छोटी जगह से या बोल सकते हैं गाँव से अपना वीज़ा निकलवाते हैं वो लोग हमेशा एजेंट का सहारा लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ बंदों ने, एक छोटे से गांव के कुछ लड़कों ने एजेंट का ही सहारा लिया पास के एक शहर से और अपना वीज़ा, दुबई का वीज़ा उनसे मंगवाया। एक एक लाख रुपये उनसे लिया गया वीज़ा के लिए और उनको वीज़ा भी दिया गया। तो चलिए यहाँ तक ठीक है, उनको वीज़ा दिया गया, टिकट्स वगैरह सारी चीज़ें उनको करा के दी गई। तो वो लोग जब एयरपोर्ट पे गए, ये जो एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, ये जयपुर, दिल्ली और कोची एयरपोर्ट्स की बात मैं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स में ये सारी घटनाएं घटती हैं। तो जब वो लोग एयरपोर्ट पे गए, तो हाल ही में हुआ है जयपुर एयरपोर्ट में, तो जब भी वो लोग वहाँ पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनका वीज़ा बहुत अच्छे से चेक होता है, ठीक है। स्पेशली उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये वीज़ा एजेंट से लिया हुआ है या फिर किसी वेबसाइट से हम लोग ने वीज़ा लिया है। तो वो जो वीज़ा था, जब पूरी चेकिंग हुई, उनकी टिकट वगैरह सारी चीज़ें चेक हो गई, जब वीज़ा चेक हुई तो वो वीज़ा फेक निकला, ठीक है। नकली वीज़ा दे दिया गया था उनको एजेंट के थ्रू। तो उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया ये बोल के कि उनको तुरंत पुलिस थाना जाना पड़ेगा, और ये केस पुलिस को दे दिया गया। तो पुलिस थाना जब वो लोगों ने गए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम जा रहे थे दुबई काम करने के लिए जा रहे थे, बट ये जो वीज़ा है ये हमने एजेंट से लिया है, ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका लोकेशन है, ये उसका एड्रेस है, सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की। तब जो भी है, पुलिस ने अच्छा समझ के बंदों को छोड़ दिया, क्योंकि मासूम बंदे हैं, वो लोगों को क्या पता कि वीज़ा फेक है या रियल है। तो फिर पुलिस ने शुरू की कि ऐसे बहुत सारे एजेंट्स को पुलिस पकड़ते भी हैं जो लोग ऐसा फेक वीज़ा का बिजनेस करते हैं। तो आप लोग अगर किसी भी एजेंट से, या तो अपने शहर के जो नामी एजेंट्स हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं बड़े बड़े, उनसे आप वीज़ा लीजिए, खुद वेबसाइट के जरिए वीज़ा लीजिए, या फिर आप यूएई में कोई आपका है तो उसके थ्रू आप लोग वीज़ा ले सकते हैं। बट ऐसे छोटे मोटे एजेंट्स जो इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं, और यूट्यूब्स में अभी इतने वीडियोस हैं कि आप लोगों को और भी सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसा वीज़ा हमको नहीं लेना है जो कि फेक है। जो भी है, मतलब उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, फ्लाइट की टिकट उनकी थी यहाँ पे, उनकी बुकिंग थी, रिटर्न टिकट भी उन्होंने करवाया था। तो ये सारी चीज़ें देख के ही पुलिस ने उनको रिहा कर दिया कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है। तो जो भी है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ऐसा ना हो। तो आप लोग भी अच्छे से जांच पड़ताल करके उसके बाद दुबई का वीज़ा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी लोग दुबई आएंगे और ऐसा फेक वीज़ा का बिजनेस इनका और भी एकदम रमरमा बिजनेस होगा। तो आपको सतर्क रहना है। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।